हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ केक की रेसिपी। और आज हम सूजी के साथ में केक बनाएंगे। तो ये बच्चों और बड़ों सबको बहुत पसंद आता है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते किचन की तरफ। हाँ, सूजी केक बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम सूजी या 1 कप सूजी, 200 ग्राम दही या 1 कप दही, और 150 ग्राम चीनी पिसी हुई या 1/3 कप, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। सबसे पहले हम सूजी लेंगे और उसमें हम पिसी हुई चीनी को मिक्स करेंगे। हमें अच्छे से मिक्स करना है सूजी और चीनी को। फिर हम उसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे और बेकिंग सोडा, और हम उसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आप इसमें कोई और फ्लेवर भी डाल सकते हैं, जैसे वनीला एसेंस या कुछ और जो आपको अच्छा लगे। फिर हम इसमें अब दही डालेंगे और इसको भी हम दही पहले थोड़ा दही डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इसे सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 5 टेबलस्पून ऑफ रिफाइंड ऑयल। अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा है, लेकिन अभी हम इसे थोड़ा सा दूध डाल के, जितना आपको लगता है ठीक है, दूध डाल के इसको हम थोड़ा सा पतला करेंगे और अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे। अब हमें इतना पतला चाहिए कि ऐसे चम्मच से इतना ये पतला हो जाए। अब हम इसको 15 से 20 मिनट रख देंगे ताकि सूजी फूल जाए। अब हम इसको जो जिसमें हम केक बनाएंगे उसको हम थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। हम इस बैटर में बची हुई दही को मिला देंगे और फिर से अच्छे से मिक्स करके इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और फिर हम इसको माइक्रोवेव में रख देंगे। पैटर को पैन में डाल देंगे अच्छे से और फिर हम इसको माइक्रोवेव में बेक होने के लिए रख देंगे। इस पैटर को पैन को माइक्रोवेव में डाल देंगे। इस माइक्रोवेव में कन्वेंशन मोड नहीं है, तो हम इसको 100% पावर पे 2 मिनट्स के लिए रखेंगे। अगर आपके माइक्रोवेव में कन्वेंशन मोड है तो आप 180 डिग्री सेल्सियस पे उसको आधे घंटे के लिए रखें। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम अपना हमारा केक तैयार हो चुका है। अब हम चेक करना पड़ेगा कि ये सही से हुआ है। आप एक बार चाकू को ऐसे लगा के देखेंगे, अगर बैटर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है इसका मतलब ये अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम इसको पैन से निकालेंगे। हमारा केक रेडी हो चुका है, बहुत ही अच्छा केक बना है। आप देख सकते हैं कितना फ्लफी केक बना है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर बनाइए और कमेंट्स में शेयर कीजिए कि कैसा आपको लगा। इसको डेकोरेट करने के लिए चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आता है, या फिर आप क्रीम से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।